जय श्री कृष्ण। आज हम सभी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी है, इसकी पावन कथा श्रवण करेंगे। तो आइए आप सभी अपना ध्यान ठाकुर जी के श्री चरणों में केंद्रित करें और इस पावन कथा का आनंद लें। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। अपनी सत्य निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा देने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ मृतक के कपड़े ग्रहण करने का कार्य किया, किंतु इस आपत्ति के काम में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए, तब उन्हें अपने इस कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं जिस प्रकार इस कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आए। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम के एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है।
जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान को एकादशी परम प्रिय है तथा इसका व्रत करने वाले भक्त संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त करते हैं। एकादशी में रात्रि जागरण की अत्यधिक महत्ता है। इस दिन किए गए दान का भी कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस कामना से कोई एकादशी व्रत करता है उसकी सभी कामनाएं बड़ी जल्दी पूर्ण हो जाती है। इस व्रत में रात को जागरण करने का महत्व है। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे द्वादशी के दिन पारण करें। भगवान सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक है तथा बिन मांगे ही अपने भक्त की सारी स्थिति को जानकर उसके सभी कष्टों और चिंताओं को मिटा देते हैं। जो भक्त केवल भगवान की भक्ति ही सच्चे भाव से करते हैं, उन पर भगवान वैसे ही कृपा करते हैं जैसे अपने मित्र सुदामा पर उन्होंने बिना कुछ कहे ही सब कुछ दे डाला। इसलिए भगवान से उनकी सेवा मांगने वाले भक्त सदा सुखी एवं प्रसन्न रहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।